समस्तीपुर जिले में समस्तीपुर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की B4 बोगी में आग लग गई। आग लगी की घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। पैसेंजर्स काफी परेशान हो गए, हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फायर सेफ्टी गार्ड की मदद से आग पर काबू के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पप्पू जुड़ चुके हैं। पप्पू, राजधानी एक्सप्रेस बर्निंग ट्रेन होते होते बचा है और गनीमत रहे कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है, हताहत की सूचनाएं मिली है। जाना चाहेंगे आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ है। जी, मैं बता दूं कि ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से चलकर नई दिल्ली को जाती है और जैसे ही ट्रेन समस्तीपुर में आई, B4 डब्बे में धुआं धुआं हो गया, जिससे कि यात्रियों में हड़कंप मच गया और सारे यात्री परेशान हो गए कि भाई आग लग गई, वो हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे। फिर वहां पे गार्ड वगैरह, टीटी वगैरह और जो भी स्थानीय लोग थे वो सारे दौड़े और उस क्रम में फिर देखा गया, चेक किया गया तो धुआं धुआं उठ रहा था, फिर उस पर काबू पा लिया गया। जी पप्पू, क्या GRPC से बात हो पाई है या फिर रेल प्रशासन से बात हो पाई है कि अगर आग लगी तो बड़ा कारण क्या था? क्या औपचारिक पुष्टि हुई है कि क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर कोई और कारण था? जी, जब फोन से मैंने बात किया तो बताया गया कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।